स्टीम जनरेशन एंड स्टीम जनरेटर के लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे बॉयलर से संबंधित कुछ माउंटिंग एंड एक्सेसरीज। देखिए, माउंटिंग और एक्सेसरीज दोनों क्या है कि बॉयलर को एक तरीके से अपने आप में कंप्लीट करती हैं। जैसे कि अगर हम माउंटिंग्स की बात करें तो ये बॉयलर को ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन प्रोवाइड कराती है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज हैं वो आपके बॉयलर के इफ़ेक्टिव उसका इस्तेमाल हो उस केस में आपकी एक्सेसरीज काम करती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में हम अपने किन के कौन कौन सी हमारी माउंटिंग्स और एक्सेसरीज बॉयलर के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि माउंटिंग्स और एक्सेसरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटिंग्स की। देखिए, बॉयलर की अगर हम माउंटिंग की बात करें तो बॉयलर को जो कंप्लीट एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है और बॉयलर की जो दक्षता है या इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी एनहेंस करती है, और बॉयलर के जो भी पार्ट्स अवेलेबल हैं उनको इफ़ेक्टिवली वो ऑपरेट करें, इफ़ेक्टिवली रन करें, उसके लिए जो भी डिवाइस या इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होगी और वो सारे इक्विपमेंट हमारे कौन से होंगे, आपके माउंटिंग्स कहलाएंगी। अब देखिए, माउंटिंग्स को दो कैटेगरी में जनरली डिवाइड किया जाता है। एक तो माउंटिंग्स होगी जो सेफ्टी के लिए यूज की जा रही हैं, और दूसरा आपके कंट्रोल के लिए। तो दो तरीके की माउंटिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो अगर हम बात करें कि जो सेफ्टी फिटिंग्स के लिए यूज हो रही हैं, तो उसमें अगर हम कह सकते हैं कि जैसे सेफ्टी वॉल हो गया, आपका वाटर लेवल इंडिकेटर या फ्यूजेबल प्लग, या आपकी हाई स्टीम या लो वाटर सेफ्टी वॉल, इस तरीके के जो माउंटिंग्स हैं वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें माउंटिंग्स के अंदर ही, जो कंट्रोल फिटिंग्स हैं, जैसे कि प्रेशर गेज है आपका, फीड चेक वाल्व है, या ब्लो ऑफ कॉक या आपका स्टॉप वाल्व है, ये जो माउंटिंग्स है ये हमारी क्या है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए माउंटिंग एक एक करके माउंटिंग्स के बारे में देखते हैं। पहली माउंट हमारी जो डिवाइस आती है वो है प्रेशर गेज। देखिए, जो प्रेशर गेज है ये आपका जनरली कहाँ होगा, आपके बिल्कुल बॉयलर के जो सामने बिल्कुल अटैच होगा, बॉयलर के बिल्कुल सामने जुड़ा हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है, बॉयलर की जो भाप है या जो बॉयलर में जो स्टीम जनरेट हो रही है उसको, उसके जो प्रेशर है उसको इंडिकेट करना, उसका जो प्रेशर है जो भाप जनरेट हो रही है उसको इंडिकेट करने के लिए जो से भी जो भी डिवाइस यूज होगी उसको हम प्रेशर गेज कहते हैं। तो जनरली ये जो सिचुएटेड होगा ये आपका बिल्कुल बॉयलर सेल के सामने सिचुएटेड होता है। अब ये जनरली जो आपके जो प्रेशर गेज है वो दो तरीके का होता है, डायफ्राम टाइप और डायफ्राम टाइप और बोर्डन टाइप। देखिए इनके, देखिए बोर्डन गेज क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। आपका जो बोर्डन टाइप ट्यूब होती है ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें एक इलास्टिक ट्यूब होगी जिसका एक एंड तो कनेक्ट होगा फिक्स एंड के, और दूसरा होगा कि जहाँ पे भी स्टीम पाइप होगा वहाँ जहाँ स्टीम पास हो रही है या स्टीम जनरेट हो रही है उस एंड पे कनेक्ट होगा, और उस तरीके से आपका जो प्रेशर है वो मेजर किया जाएगा। आगे फिगर में दिखाया गया है कि ये एक डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पर बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। तो यहाँ पर अगर हम डायफ्राम टाइप की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से एक डायफ्राम या इलास्टिक एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं प्रेशर को के मेजरमेंट के लिए, जबकि दूसरे में हम क्या है, एक इलास्टिक ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर को मेजर या प्रेशर को इंडिकेट या प्रेशर को सूचित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इलास्टिक ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, आते हैं सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व क्या है, जब भी प्रेशर जो स्टीम जनरेट हो रही है उसका प्रेशर एक लिमिट से अगर एक्सीड कर जाता है, यानी एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो क्या है, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस या बॉयलर के शेल फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि हमारे जो भी बॉयलर के अंदर जो प्रेशर एक्सीड कर रहा है उसको रिमूव कर दे, उसको ब्लो ऑफ कर दे, या उसको एक हमें इंडिकेशन दे दे, एक तरीके से विसिल कर दे, जिससे कि हम अपने जो बॉयलर है
उसको किसी एक्सीडेंट से बचा सके। तो ऐसी डिवाइस जो कि हमें प्रेशर का जो एक्सीड है या प्रेशर लिमिट से ऊपर चला गया उसको इंडिकेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होगी दैट इज सेफ्टी वाल्व। ये आपका जो बॉयलर के सबसे टॉप पे सिचुएटेड होगी या लगी होती है। अब ये चार तरीके के सेफ्टी वाल्व आपके यूज होते हैं। वन इज डेड सेफ्टी सेफ्टी वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व, तीसरा है हमारा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, और चौथा है हमारा हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल्व। तो दो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वन इज डेड सेफ्टी वाल्व और दूसरा लीवर सेफ्टी वाल्व। स्प्रिंग लोडेड वाल्व कुछ इस तरीके का होता है आपका, जिसमें कि हम स्प्रिंग का एलिमेंट, स्प्रिंग या इलास्टिक एलिमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इलास्टिक मेंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंडिकेशन को या भाप के जो प्रेशर है उसकी एक्सीड लिमिट को इंडिकेट करने के लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये है हमारा हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। तो इस तरीके से चार सेफ्टी वाल्व हमारे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजेबल प्लग। देखिए ये जो फ्यूजेबल प्लग है ये वाटर लेवल जो भी आपको जिस भी वाटर लेवल पे आपका बॉयलर डिज़ाइन किया गया है उस वाटर लेवल के ठीक नीचे अवेलेबल होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब भी आपका जो वाटर लेवल है वो इंडिकेटेड लेवल से नीचे चला जाता है तो फ्यूजेबल, अब क्योंकि जब वाटर डिजायर्ड लेवल से या इंडिकेटेड लेवल से नीचे चला गया है तो उस केस में क्या होगा कि बॉयलर में आग लगने के चांसेस होंगे। तो बॉयलर को में आग ना लगे, बॉयलर में को आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूजेबल प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल वाटर लेवल के नीचे अवेलेबल होगा और जैसे पूरे ऑपरेशन के दौरान ये पानी से घिरा हुआ होता है, पानी इसके टॉप के ऊपर होता है, टॉप पे होता है, तो इससे क्या होता है ये जलता नहीं है। जैसे ही वाटर लेवल नीचे जाएगा तो इसका जो टॉप है जो कि एक फ्यूजेबल एलिमेंट का बना हुआ है, अब जब तक पानी इस फ्यूजेबल प्लग के ऊपर अवेलेबल है तब तक ये बर्न नहीं करेगा। ये जो पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है ये तब तक बर्न नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल इस फ्यूजेबल एलिमेंट से नीचे जाएगा उसी तुरंत ये जो एलिमेंट है ये बर्न हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो आपका भाप है ये वापस कम्बशन चैम्बर या वाटर है जो कम्बशन चैम्बर के अंदर चला जाएगा और ये एक तरीके से आपके जो बॉयलर है उसके रनिंग को स्टॉप कर देगा, बॉयलर को स्टॉप कर देगा और ये आग लगने से हमें बचा देगा। तो जब तक वाटर अवेलेबल है तो इसका जो फ्यूजेबल एलिमेंट है उस वो अपने बर्निंग टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता है। जैसे ही टेम्परेचर आपका लेवल डाउन होगा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और ये बर्न हो जाएगा और हमारी जो बॉयलर है उसमें एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व, यानी स्टीम का जो रेगुलेशन है यानी स्टीम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो इसका काम क्या होता है, फ्लो को, स्टीम के जो फ्लो है उसको रेगुलेट करना कि वो बॉयलर सेल से आपका पाइप में किस तरीके से फ्लो होगा, किस प्रेशर या किस अमाउंट में फ्लो होगा, उस तरीके के जो कंट्रोल है वो हमारा कौन सी डिवाइस करेगी, वो करेगी हमारी स्टीम स्टॉप वाल्व। नेक्स्ट आता है हमारा फीड चेक वाल्व। ये क्या है, आपकी जो वाटर है उसका जो सर्कुलेशन है उसको चेक करने के काम आता है कि बॉयलर के अंदर वो जो वाटर है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है और बैक फ्लो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, फीड चेक वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लो ऑफ कॉक वाल्व, यानी हमें मान लिया एक केस में हमें अपने बॉयलर की क्लीनिंग करनी है, उसको इंस्पेक्शन के लिए रेडी करने हैं या उसमें कोई ब्रेक डाउन हो गया तो उस समय हमें वाटर को कम्प्लीटली ड्रेन आउट करना है, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या है सारा का सारा जो पानी है वो आपका सेल से बाहर निकल जाता है और आप उसमें जो भी मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर, देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका इस इंडिकेटर का फंक्शन है कि जो भी डिजायर्ड लेवल है वाटर का उसको मेंटेन करके रखना और इंडिकेट करते रहना कि अब सेल के अंदर जो वाटर है वो किस अमाउंट में अवेलेबल है। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पार्ट जो कि
इफेक्टिवली हमारा जो बॉयलर है वो रन करे, उसके लिए हमें कुछ फिटिंग्स या कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जो कि हमारी एक तो एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं और इफेक्टिवली हमारा जो रन करता है बॉयलर, जो भी डिवाइस हमारी जो माउंटिंग्स है उनको इफेक्टिवली रन करे, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हमें कुछ डिवाइसेज या कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेज की ज़रूरत होती है, और इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसी डिवाइसेज को हम कहते हैं एक्सेसरीज या उपसाधन। अब इन एक्सेसरीज के अगर हम एग्जांपल के बात करें तो ये जो कॉमनली यूज्ड एक्सेसरीज हैं जो कि हम बॉयलर्स में इस्तेमाल करते हैं, स्टीम सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, स्टीम सेपरेटर, इंजेक्टर, तो ये सारी जो डिवाइसेज हैं ये हमारी एक्सेसरीज कहलाती हैं। अब एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो एक एक करके बात करते हैं। वन इज स्टीम सुपर हीटर। देखिए अगर हम बात करें तो स्टीम सुपर हीटर का क्या क्या काम है कि जो भी स्टीम आपकी ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में आपको मिल गई है, अब आपको इसकी इसकी क्वालिटी को एनहेंस करना है, तो उस केस में क्या करते हैं आप स्टीम सुपर हीटर के अंदर अपनी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को पास कराते हैं, और स्टीम सुपर हीटर क्या काम करेगा, इसमें फर्दर हीट प्रोवाइड करा के आपकी जो क्वालिटी है उसको, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की जो क्वालिटी है उसको एनहेंस कर देगा, और जिससे क्या होगा कि आपका बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं, जैसे कि स्टीम का जो कंजप्शन है जो टरबाइन के अंदर हम प्राइमरी फंक्शन में यूज कर रहे हैं या प्राइमरी हमारा मोटिव है उसमें जो स्टीम का कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो कंडेंसेशन है वो भी हमारा जो स्टीम पाइप पाइप के थ्रू हम स्टीम तक अपने स्टीम को लेके जा रहे हैं वो भी हमारा कम हो जाएगा इस केस में। और जो अगर आपका कोई वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल है स्टीम के अंदर तो वो आगे जाके आपके टरबाइन या के ब्लेड या पाइप को करोड़ कर सकता है, उसमें एरोजन उत्पन्न कर सकता है, जंग दे सकता है, तो उस चांस को भी हम एलिमिनेट करते हैं अपने स्टीम सुपर हीटर की हेल्प से, जिससे कि क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है और ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ इस तरीके का आपका स्टीम सुपर हीटर होता है जो कि आपकी क्वालिटी को एनहेंस करने के काम आता है। ये दो तरीके के सुपर हीटर हम यूज़ करते हैं, वन इज कन्वेक्टिव सुपर हीटर और दूसरा है हमारा रेडिएंट सुपर हीटर। नेक्स्ट हमारा जो आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या है, ये जो भी आप वाटर फीड कर रहे हैं अपने बॉयलर के अंदर उसको पहले से हम थोड़ा सा प्री हीटिंग प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो वाटर है वो जल्दी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, जो और जो वाष्प या स्टीम जो हमारी बन रही है वो भी हमारी क्या होगी, वो भी एक अच्छी क्वालिटी में हमारी प्रोड्यूस होगी, और इस पर्टिकुलर स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेंसिबल हीट आप बॉयलर के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं यानी जो कम्बशन आप कर रहे हैं फ्यूल का वो भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्री हीटेड वाटर अपना फीड कर रहे हैं इकोनोमाइजर की हेल्प से बॉयलर के अंदर। तो ओवरऑल देखें तो हमारे जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी आपका इस इकोनोमाइजर की हेल्प से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगर हम कहें तो इकोनोमाइजर आपके दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट टाइप और एक इंटीग्रेटेड टाइप। इंडिपेंडेंट टाइप क्या है, इंडिपेंडेंट टाइप आपका होगा, ये पार्ट नहीं होगा बॉयलर का, ये अलग से एक डिवाइस होगी जो कि हम बॉयलर के जो बॉयलर का जो कंस्ट्रक्शन है उस या बॉयलर के जो पार्ट्स हैं उनसे अलग एक डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉयलर का इंटीग्रल पार्ट नहीं होगी। जबकि अगर हम दूसरी बात करें, अगर ये इंटीग्रेटेड टाइप भी हो सकता है, ये बॉयलर के अंदर ही लगा हो सकता है और उसके थ्रू हम अपनी जो वाटर है उसको प्री हीट करके बॉयलर के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर क्या है, एयर प्री हीटर का काम है कि जो एयर कंबशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है उसको प्री हीट करना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इकोनोमाइजर है उसके जो हीट हमें मिल रही है उस हीट को हम एयर को प्री हीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने एयर प्री हीटर को इकोनोमाइजर के ठीक आगे लगा देते हैं, तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा हीट जो हीट आपकी निकल रही है इकोनोमाइजर से वो एयर को प्री हीट करने के काम आ जाती है, और ओवरऑल जो होगा कम्बशन जो होगा उसका जो रेट है यानी कम्बशन की जो होने की जो दर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगी, और ओवरऑल आपके बॉयलर की जो एफिशिएंसी है जो कि मेन पर्पज़ है हमारे एक्सेसरीज का वो फुलफिल हो जाता है। अब देखिए, अब प्री हीटिंग हम
इन तीन फैक्टर के ऊपर करते हैं कि आप कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं। जनरली कई बार क्या होता है, ऐसा फ्यूल है जो जिसके लिए प्री हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि बहुत कम एयर पे आपका बर्न करना स्टार्ट कर देगा, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डिग्री ऑफ प्री हीटिंग है, यानी हम एयर को कितना प्री हीट कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ फ्यूल भी हमारा एक फैक्टर होगा जिस जो कि हमें कंसिडर करना होगा प्री हीटिंग के समय। ये दूसरा है कि हम कौन से आपके फ्यूल को फ्यूल बर्न करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा है कि आपके जो रेटिंग ऑफ बॉयलर फर्नेस, यानी बॉयलर की रेटिंग्स और फर्नेसेज वगैरह की क्या रेटिंग्स है, कौन से वहाँ पे मटेरियल्स यूज किए गए हैं, उन इन सभी फैक्टर्स का हमें ध्यान रखते हुए अपनी एयर को प्री हीट करते हैं। अब देखिए, दो तरीके के हमारे जो आपके एयर प्री हीटर यूज होते हैं। वन इज रेक्यूपरेटिव, यानी जिसमें क्या है, फ्लूड साइमल्टेनियसली पास होता रहता है, और दूसरा है रीजनरेटिव, जिसमें अंदर समय समय पर हम फ्लूड को पास कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीम सेपरेटर। स्टीम सेपरेटर के अगर हम फंक्शन या ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो भी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर जनरली जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो वेट स्टीम है, तो इसके अंदर वाटर पार्टिकल्स को अलग करके एक स्टीम की क्वालिटी को अश्योर्ड करना स्टीम सेपरेटर का काम होता है। तो यहाँ से क्या है, जो भी वेट पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव कर देगा और आपका स्टीम जो होगी वो आपकी ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में प्राइम मूवर्स या स्टीम टर्बाइन तक आप प्रोवाइड कराते हैं। देर आर अगर बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टीम सेपरेटर। वन इज इम्पैक्ट या बैफल टाइप, दूसरा है रिवर्स करंट टाइप, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। नेक्स्ट है फीड पंप। फीड पंप क्या है, वाटर के जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए बॉयलर के अंदर डिजायर्ड वेलोसिटी पे, डिजायर्ड प्रेशर के ऊपर वाटर आपका सर्कुलेट होता रहे ट्यूब्स के अंदर या चैम्बर के अंदर या शेल के अंदर, उसके लिए हमें क्या है, एक फीड पंप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जनरली ये जो फीड पंप होता है हम उस केस में यूज करते हैं जहाँ हमें लार्ज या हमारे जो बॉयलर है उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लार्ज प्लांट हमने लगाए हुए हैं, उस केस में हमें फीड पंप की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हमारे पंप्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, दो तरीके के हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। वन इज रेसिप्रोकेटिंग फीड पंप। अब ये दो तरीके का हो सकता है, ये सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है और ये डबल एक्टिंग भी हो सकता है। और दूसरा है हमारा रोटरी या सेंट्रीफ्यूगल फीड पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज करते हुए हम वाटर का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल या रोटरी पंप में हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं। थैंक यू।